सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को दिखा रहा हूँ मैं इस सीज़न में पहली बार हम शिमला मिर्च तोड़ने जा रहे हैं। हमारी जो शिमला मिर्च है ये हमारे शिमला मिर्च का खेत आप देख रहे हैं उधर तक, उसके बाद जो लगा रखी है अभी ऊपर खेत में भी शिमला मिर्च है मेरी पूरे खेतों में, बट बारिश नहीं होने की वजह से अभी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम पर बारिश आधारित खेती होती है हमारी, पानी की अभी बहुत शॉर्टेज है, नहीं तो अभी और लबलबाती भी लगती। फिर भी काफ़ी अच्छे पेड़ यहाँ पर हुए हैं, ये देखिए बच्चे। हेलो, कहाँ पर है शिमला मिर्ची दिखाओ तो बेटा, कहाँ दाना कौन सा है? ये देखिए गाइस, ये देखो बहुत अच्छा बेहतर, तोड़ मत, ये देखिए बेहतरीन परिणाम आया हुआ है शिमला मिर्च का। इस बार आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक प्योर शिमला मिर्च, ये इस तरह से आज हमारी शिमला मिर्च की सब्जी बनेगी। ये दिखाइए, ये देखिए बहुत अच्छी शिमला मिर्च लगी है। ये देखिए गाइस शिमला मिर्च हमने तोड़ी, आप देख सकते हैं इस तरह से अब शिमला मिर्च रेडी हो गई है। पहली बार इस सीजन में तोड़ा जा रहा है इनको, अब बाजार में भी जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे पास 1000 पेड़ से भी ज़्यादा है शिमला मिर्च के। इस तरह से अगर बारिश आ जाती है तो बहुत अच्छा उत्पादन होने की इस बार क्या कहते हैं मुझे उम्मीद है। ये दाना है, इसका वेट भी 200 ग्राम के आसपास मेरे को लग रहा है। ये देख सकते हैं अभी लौकी की बेल है, तोरी की बोले बेल है सामने में। मैं फिर आपको और बागवानी दिखाऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ शिमला मिर्च के बारे में ही बता। ये देखिए अब ले जा रहे हैं शिमला मिर्च को, उसके बाद इसमें मिलाए जाएंगे आलू। ये हमारा अखरोट का पेड़ बेहतरीन, ऊपर घास के लूटे। अभी लौकी की बेल हमारी इतनी बड़ी हुई है, फूल भी आने लग गया ऊपर, आप देख रहे होंगे। बस यानी छोटी छोटी लौकियाँ भी लग रही हैं कहीं कहीं पर, बहुत सारी बेलें लगा रखी हैं। ये हमारा आड़ू का पेड़ है, इसमें बेहतरीन आड़ू लगे हुए हैं, ये भी 15-20 दिन बाद खाने लायक हो जाएंगे। देखिए लौकी फूल आने लग गई है, और लौकी भी लग रही है देखो इतनी छोटी बेल में। ये टमाटर लगे हुए हैं हमारे गार्डन में, यानी बहुत अच्छा। अगर बारिश आ जाती है तो फिर बहुत अच्छे परिणाम आएंगे सब्जियों में इस बार।